अब्दू इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन मेरी एक क्वालिटी ये है कि अब्दू को जहाँ हर चीज़ समझाई जाएगी लेकिन मुझे नहीं समझाई जाएगी, वो मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, लेकिन अब्दू वहाँ पर किसी चीज़ में फंस जाते हैं कि उन्हें किसका साइड लेना है किसका साइड नहीं लेना है। कई बार उन्हें साजिद जी और शिव गाइड करते हैं और अब्दू के डिसीजंस को ना मानकर कई बार उन्होंने अपने डिसीजंस लिए हैं। और मेरी दूसरी क्वालिटी ये है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मैं अपनी फाइट खुद लड़ती हूँ। गौतम और सुम्बुल के सामने इस तरह से प्रियंका ने रखा अपना स्टैंड नॉमिनेशन से बचने के लिए, लेकिन ये बात शायद अब्दू को अच्छी नहीं लगी। यही वजह है कि उन्होंने बाहर आकर अपने पूरे ग्रुप से प्रियंका की बुराई करनी शुरू कर दी और साथ ही साफ शब्दों में अब्दू रोजिक ये कहते हुए नजर आए कि इस घर में अब से उनके तीन दुश्मन हैं, पहले सुम्बुल, दूसरे गौतम और तीसरी प्रियंका, और प्रियंका इन सब में सबसे ऊपर हैं और वो प्रियंका को अब अपना गेम दिखा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गेम नहीं समझ सकता हूँ लेकिन मैं गेम खेलना जानता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी बात भी अपने ग्रुप को बताई जो कि प्रियंका और अंकित की थी, जैसे कि किचन में उन दोनों के बीच कोई बात चल रही थी, उस वक्त प्रियंका का डोमिनेटिंग होना। अब्दू ने कहा कि क्या वो खुद को बिग बॉस की क्वीन समझती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अब वो उन्हें अपना गेम दिखाएंगे। हालांकि साजिद जी बार बार अब्दू को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब्दू किसी की भी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अब प्रियंका के अगेंस्ट गेम में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका को अंकित से ये बात कहते हुए सुना गया कि अब्दू को पूरा इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो बाहर नहीं जाएगा। प्रियंका के मन में अब भी अब्दू के लिए कोई नफरत नहीं है और अपना स्टैंड रखते वक्त भी प्रियंका ने ये क्लियर कर दिया था कि अब्दू उनके फेवरेट्स में से एक हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।